जो इतनी रिफ्यूजल्स आ रही हैं वो क्यों आ रही है, तो ज़्यादा वेटेज नहीं देते, उनको लगता है कि इन्होंने ऐसे ही फेक शो की हुई है जस्ट टू गेट वीज़ा। और कैसे आपको जो है अपना रिलेशनशिप उनके साथ शो करना है, उसकी जो है स्पॉन्सरशिप खराब हो सकती है। उसकी पहले नॉर्मल विजिटर वीज़ा में रिफ्यूजल थी, उसके बाद उसकी फैमिली स्पॉन्सर टीम में भी रिफ्यूजल आ गई बिकॉज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंडेवर इमिग्रेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम, ऑस्ट्रेलिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके बारे में। सो स्पॉन्सर्ड फैमिली स्ट्रीम में जो बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे रिसेंटली 3 वीज़ाज आए हैं। सो ये सारे जो क्लाइंट्स हैं पहले रिफ्यूज़ थे, और सारी जो है बिजनेस प्रोफाइल है, सभी की जो ITR है नेल है, किसी ने भी टैक्स नहीं पे किया हुआ था, और सभी पहले रिफ्यूज़ होने के बाद भी जो है इनका वीज़ा है ग्रांट हो गया। सो अगर हम प्रोफाइल्स की बात करें तो सबसे पहले जो पुनीत है उनका भी जो है बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है। सेकंड साहिल, उनकी भी जो है सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम है। और तीसरा मुनीश जी, उनकी भी जो है सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि सेल्फ डिक्लेयर इनकम है। सो अब बात करते हैं कि जो इतनी रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं वो क्यों आ रही है। सो जो ज़्यादातर आजकल रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं वो उन्हीं प्रोफाइल्स की आ रही हैं जिन्होंने अपनी जो इनकम है सेल्फ डिक्लेयर की हुई है, जिन पे सबसे पहले जो नॉर्मल शॉप्स वाले आ जाते हैं, जो जहाँ छोटे बिजनेस आ जाते हैं स्मॉल स्केल, तो उसमें उनके पास ज़्यादा सप्लीमेंट्री प्रूफ्स नहीं होते। वो अपना CA के पास जाते हैं, 4-5 लाख की ITR भर देते हैं जो कि टैक्स फ्री होती है, और उस पर जो है वीज़ा रिफ्यूज़ल ज़्यादा होता है। इसके अलावा डेयरी का बिजनेस दिखा देते हैं, उस पर भी जो है टैक्स नहीं लगाया होता या सेल्फ डिक्लेयर इनकम होती है तो उस पर जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूज़ल्स आती हैं वो एग्रीकल्चर बिजनेस पे भी आती हैं। उस पर एग्रीकल्चर में जो है अप टू 10-20 लाख भी जो आपकी इनकम होती है वो टैक्स फ्री होती है। तो जो वीज़ा ऑफिसर हैं वो ज़्यादातर ना जो सेल्फ डिक्लेयर इनकम है उसको ज़्यादा वेटेज नहीं देते, उनको लगता है कि इन्होंने ऐसे ही फेक शो की हुई है जस्ट टू गेट वीज़ा। सो इसी रीज़न के कारण जो है रिफ्यूज़ल रेट काफ़ी हाई हो गया। तो आई वुड रेकमेंड कि अगर आपकी भी पहले रिफ्यूज़ल आई है, आपकी इनमें से कोई भी प्रोफाइल है पहले, तो आप जो है अपना फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम में वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपका वहाँ पे कोई भाई बहन PR है या कोई आपका कज़न भी है, इसमें काफ़ी लूपहोल्स हैं कि कज़न आपको कैसे स्पॉन्सर कर सकते हैं और कैसे आपको जो है अपना रिलेशनशिप उनके साथ शो करना है, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो इसमें जो सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखने वाली होती है वो ये बात का ध्यान रखना होता है कि जो फैमिली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें मैंडेटरी नो फर्दर स्टे कंडीशन लगती है, जिसको 8503 भी बोलते हैं, यानी कि जो भी एप्लीकेंट है वहाँ पे जाता है ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, उसको मैंडेटरी उस कंट्री को लीव करना होता है थोड़े टाइम बाद। मोस्टली जो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है और 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है एप्लीकेंट को ऑस्ट्रेलिया को लीव करना होता है। सो अगर जो एप्लीकेंट है ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं आता, तो जो उसको स्पॉन्सर कर रहा है, उसको स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स दे रहा है, स्पॉन्सरशिप फॉर्म साइन कर रहा है, उसकी जो है स्पॉन्सरशिप ख़राब हो सकती है। सो अगर हम इसमें वीज़ा सक्सेस की बात करते हैं, तो इंडिया से जो इसका वीज़ा सक्सेस है वो 95% है। हमारे अभी तक 100% वीज़ाज आए हुए हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको अभी रिसेंट 3 वीज़ाज दिखाए हैं, इससे पहले भी हमारे काफ़ी वीज़ाज आए हुए हैं। सो जो नेक्स्ट आपको जो बात का ध्यान रखना है वो ये है कि इसमें जो वीज़ा ऑफिसर है आपसे बॉन्ड भी मांग सकता है, लेकिन इंडिया से वो बहुत कम गुंजाइश है कि कोई वीज़ा ऑफिसर आपसे बॉन्ड मांगेगा, और अप टू 15,000 तक का बॉन्ड मांग सकता है वीज़ा ऑफिसर, लेकिन हमारे किसी भी क्लाइंट से आज तक वीज़ा ऑफिसर ने बॉन्ड नहीं मांगा और वीज़ा ग्रांट हुए हैं। फैमिली स्पॉन्सर टीम में जो है स्पॉन्सर होता है उसके मेन फंड्स शो करने होते हैं, यानी कि जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से उसकी जो पे स्लिप्स हैं वो ज़रूरी होती हैं, उसकी टैक्स रिटर्न्स मायने रखती है और उनके फंड्स मायने रखते हैं, क्योंकि इसमें जो पूरी स्पॉन्सरशिप है वो आपकी गारंटी ले रहे हैं कि वही आपको सपोर्ट करेंगे ड्यूरिंग योर ट्रिप इन ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑल्सो वही आपको जो है वापस भेजेंगे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सो इसके अलावा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप जो है आपका स्पॉन्सर के साथ रिलेशन है उसको कैसे शो करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। हमारे साथ किसी ने अभी रिसेंटली अपनी प्रोफाइल डिस्कस की थी, उसकी पहले नॉर्मल विजिटर वीज़ा में रिफ्यूज़ल थी, उसके बाद उसकी फैमिली स्पॉन्सर टीम में भी रिफ्यूज़ल आ गई बिकॉज जो उसका एजेंट था वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाया कि उसका उसकी सिस्टर के साथ क्या रिलेशन है, या तो उसने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच किए या वो उसको जो है जस्टिफिकेशन लेटर यानी कि कवरिंग लेटर में नहीं समझा पाया। सो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं आप प्रोफेशनल हेल्प के साथ ही अपना वीज़ा अप्लाई करें या किसी प्रोफेशनल एजेंट के साथ ही अपना वीज़ा अप्लाई करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो चीज़ ध्यान में रखनी वाली है वो ये है कि इस टूर स्ट्रीम में भी जो यानी कि फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम में भी जो है प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। हमारे पहले 7 दिन में भी वीज़ाज आए थे, 14 दिन में भी आए थे, अब 21 दिन में भी आ रहे हैं, तो प्रोसेसिंग टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ज़्यादा फाइल्स लग रही हैं
और हो सकता है इसमें रिफ्यूज़ल रेट कल को शुरू हो जाए। सो अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं इस स्ट्रीम में तो डोंट डिले, अभी अच्छा टाइम चल रहा है, अभी अपना वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपको हमारे टीम से अपना जो है फैमिली स्पॉन्सर स्कीम वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Thank you.